अस्सलाम वालेकुम जी फैजान साहब, ये जमात का क्या मामला था जो आरम जा रही थी? जमात का क्या मामला था? कौन जमात जो आरम जा रही थी आप लोगों ने रास्ते से आरम जा रही थी ना कोई जमात? हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? अब्दुल हकीम बोल रहा हूँ। अब्दुल हकीम? अब्दुल हकीम कहाँ से? ये टांडा से बोल रहा हूँ। तो कोई मामला नहीं था, मामला ये था उसमें तो जमात गुजरात से आई थी, ऐसे ही चल रही थी, आपको को मालूम नहीं था कि मतलब ऐसे बगैर मशवरे चल रही है? वो बगैर मशवरे चल रही थी? हाँ, किसी साथियों को कुछ पता नहीं था, लेकिन आपके इमाम आपके अमीर साहब से कह रहे हैं कि हमारे मशवरे चल रही थी। हाँ हाँ, बात तो सुनिए, पहले साथियों को यही इल्म था कि बगैर मशवरे चल रही है, तो फिर मशवरों अमीर साहब ने ही तय किया। अमीर साहब की गलती थी, ऐसा नहीं है, उनको कहा भी गया, समझाया भी गया, और तो उनको मोहब्बत के साथ लाया गया, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जितना पता तुम पकड़ा रहे कोई बात को, इधर पूछ कर रहे उधर पूछ कर रहे। अरे तो भाई, जब वहाँ पर आई होगी फैजान साहब तो किसी की मशवरे ही तो आई होगी। किसी की मशवरे तो ही वहाँ आ जाएगा, मरकज निजामुद्दीन के मशवरे से आए या तो कहना हमारे जिले के मशवरे से आए, हमारे अगर मरकज निजामुद्दीन के मशवरे से नहीं आएगी तो आप चलने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। अगर मरकज निजामुद्दीन से जो अगर कोई देवबंद से आ रहा है, जमीतुल उलमा का आ रहा है या कहीं और रहता, बात कहीं नहीं से कोई आए, सुनिए, कहीं से कोई आए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इसका किसी को नहीं चलने देंगे। नहीं चलने देंगे आप? तो मरकज निजामुद्दीन के बारे में, वहाँ के अमीर के बारे में दारुल उलूम का फतवा है कि गुमराही के रास्ते पे चल रहे? फतवा तो सब खत्म हो गया, फतवा तो आपने हमको मत सुनाइए ना, फतवा यहाँ बात करिए, ठीक है ना? फतवा खत्म हो गया? हाँ, लोग फतवे को मानते हैं, ठीक है ना? अच्छा, फतवे को मानते भी नहीं? नहीं मानते, फतवे को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात, तो कहा कि फतवे के मानोगे आप? देवबंद के फतवे के अगर नहीं मानोगे, एक मिनट मेरी बात सुन लो, देवबंद के फतवे के अगर नहीं मानोगे तो कौन सा इदारा है वहाँ के फतवे को आप मानोगे? हमारे पास जो इदारा है निजामुद्दीन इदारा, निजामुद्दीन से, निजामुद्दीन से फतवा नहीं होता, निजामुद्दीन में फजाइल फजाइल बयान होते हैं, मसाइल होता है, मसाइल का फतवा ही पूछे हैं। किसे? तेरा नंबर बताओ, हम भी पूछ ले फतवा। हमको तो यही मालूम है, मुफ्ती जहीर तो निजामुद्दीन में पढ़ाते नहीं? पढ़ाते हो या ना पढ़ाते, हमने उनसे कई बार फतवा अपना पूछा। मुफ्ती जहीर दीन एक अलग मुफ्ती है, हमने पूछा कोई। एक मिनट, एक मिनट मेरी बात सुन लो, हमारी बात सुनिए, सुनाइए, इसका समझा कैसे कहेंगे आपसे, कोई भी काम करिए मशवरे करिए, उस जमात देखिए गुजरात। अरे भैया, मशवरे मशवरे से जमात चल रही थी। पहले सुनिए, बोलने से पहले सुनिए, आप 100 जमात भेजिए, ठीक है ना? हम 100 जमात लेने के लिए तैयार भी हैं, चलाने के लिए तैयार हैं। जैसे असाद भाई हमारे कोई जहन नहीं है, ठीक है ना? असाद भाई हमारे अपने हैं, उनके दरवाजे पे गया गया। भैया, जब आप देवबंद के फतवे ही क्यों नहीं मानोगे, पहले बात फिर आपकी बात, आप कहाँ के फतवे को मानते हो, किस इदारे की? पहले बात सुनिए, बात सुनिए, किसकी आप जो हम कह रहे हो सुनिए। निजामुद्दीन खिलाफ कोई फतवा देगा, सुन लीजिए इस तरीके से हमारी बात, निजामुद्दीन खिलाफ मोहसास और खिलाफ कोई दुनिया कोई फतवा देगा उसको हम नहीं मानेंगे। माशाल्लाह, चाहे वो देवबंद का ही आदमी क्यों ना हो, और चाहे कोई मुफ्ती आजम बनकर के आए कहे कि मौलाना साहब गलत हो, तो इसको हम नहीं मानते। क्या मौलाना साहब नबी का दर्जा रखते हैं क्या? इनसे गलती नहीं हो सकती? नबी का दर्जा नहीं रखते, हमारे अमीर का दर्जा रखते हैं। नबी ही से गलती नहीं होगी, ये मासूम है। नबी से भी गलती हुई है? नबी से भी गलती हुई है? बिल्कुल हुई है, माशाल्लाह। एक कितने महीना लगाने के बाद ये चीज हासिल होती है कि नबी से भी गलती होती है? नबी से गलती 15 दिन की वही बंद हो गई, कह रहा कि हम जो कल बता देंगे इंशाल्लाह कहना भूल गए। नबी मासूम होते हैं, इसका कहने क्या मतलब हुआ? मासूम तो है, मासूम तो वही बात है। गलती जब होती है तो मासूम कहाँ हुए? गुनाह होता है, गुनाह से अभी पाक होते हैं, नबी पाक होते हैं। नबी गुनाह से पाक होते हैं, नबी गुनाह से पाक होती है, गलती हो सकती है। तो अल्लाह की गाइडरशिप, नबी जो होते हैं सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी जो कहते हैं मेरी तरफ से कहते हैं। हाँ, तो गलती अल्लाह की भी हो गई। अल्लाह ने की याद दिलाने मेरे कुरान में इस बात का तस्करा किया कि आप 15 दिन क्यों भूल गए, और इस बात को अल्लाह ने लिखवाया इसको, तो उसमें गलती नहीं। इसमें किस मुफस्सिर ने कहा कि नबी से गलती हुई? जो हम पूछ रहे हो बताइए आपने, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा नबी से गलती हुई, इस जो आयत आप पेश कर रहे हो, किस मुफस्सिर ने कहा कि नबी से गलती हुई? हम तो यही जानते हैं, हम तो यही पढ़े हैं, हम तो पढ़े हो नहीं, यही पढ़े हैं कि मतलब नबी से गलती हो गई, उन्होंने कहा। ये कहाँ पढ़े हो? पहले बात सुनिए,
आप हमारी पढ़ाई को लेकर के या हमारी वहाँ। अरे भैया ये चीज कहा आपने, कहा हमने पढ़ा है, अच्छी बात बताओ ना यार, जबरदस्ती बात हमसे नहीं, ये कहाँ से पढ़े हो कि नबी से गलती होती है? किताब पढ़े, किताब में पढ़े हो? हाँ, फजाइले अमाल में लिखा हुआ। फजाइले अमाल, फजाइले अमाल में कहाँ पे लिखा है? कहीं लिखा होगा हमारे, कहीं लिखा होगा नहीं, कहाँ पे लिखा? पूरी फजाइले अमाल तो हमने दसियों मरतबा पढ़ दिया, कहीं मिला नहीं हमको। नहीं मिला ना आपको? आइए दिखाएंगे आपको ना। नहीं तो फोटो पेज नंबर भेज दो। फोटो आप नंबर मोबाइल से बात नहीं करते, आइए हम डायरेक्ट बात करेंगे। अरे भाई जब आप कहते हो कि मौलाना साहब के खिलाफ कोई फतवा कहीं से देगा हम नहीं मानेंगे जी, और दारुल उलूम देवबंद पूरी दुनिया के एतबार से आप फतवा लगाने फिर रहे हो? हम नहीं फिर रहे, नहीं तुम सही गलत फतवा लगाओगे सबके ऊपर? हम नहीं लगाते हैं, ये दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद लगाया है। नहीं नहीं तुम हमारी बात सुनो, जो तुम सुना रहे हो कि हम क्या नाम है इस तरीके से सुनाएंगे हैं और इस तरीके से देवबंद फतवा बताएंगे, तो हमें फतवा निकालते हो? हम नहीं निकालते हैं। बात कर रहे हैं तुमसे, हम नहीं फतवा निकालते हैं। ये सुनो सुनो सुनो, ये वलमा का काम है। सुनो मेरी बात सुनो, आज के बाद कोई जमात भेजोगे मशवरे नहीं आएगी, नहीं चलने देंगे। सुन लो साफ बात, उबाजे सुन लो, ठीक है ना? नहीं चलने दोगे? नहीं चलने देंगे, तुम्हारी औकात हो गया। अच्छा, अच्छी बात।